बिना विजन के करूं क्या, रोज एक ही काम कैसे करूं, बहुत ही डीमोटिवेट हो चुका हूं, फेल हो चुका हूं, करूं कि ना करूं। ये चार सवाल जो हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा शायद हम लोगों को परेशान करते रहते हैं और हम खुद से हमेशा पूछते रहते हैं, तो चार सवालों के जवाब आज जानना बहुत जरूरी है और मैं इस वीडियो से आपको इन चार सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज विजन। विजन क्या होता है? विजन, आप सोचिए, जब आप तैयारी किसी भी चीज की करते हैं या किसी भी चीज को करने का सोचते हैं और वो भी बिना विजन के, सोचिए वो कैसा होगा, क्या करेंगे आप, उसको कैसे करेंगे, कहां तक करेंगे, ये सारे सवाल जो होंगे आपके दिमाग में आपको हमेशा पीछे की तरफ खींचेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना विजन क्लियर करिए। इसी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर का, ठीक है। ये एक बॉडी बिल्डर थे, इनको 5 से 6 घंटे बॉडी बिल्डिंग करना था, ठीक है, अपने सारे काम करने थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी थकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनका विजन क्लियर था। विजन का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना विजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप एसएससी करना चाहते हो, बैंक करना चाहते हो, रेलवे करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो आपके पास विजन होना बहुत जरूरी है। सोचिए बिना विजन के आप कैसे किसी चीज को करोगे, तैयारी करोगे, कहां से शुरू करोगे, कहां खत्म करोगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आप विजन बना लेते हो तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कंसिस्टेंट हार्डवर्क का। कंसिस्टेंट हार्डवर्क, सबसे पहले समझते हैं कंसिस्टेंट हार्डवर्क होता क्या है। देखिए, जब आप किसी भी काम को करते हैं, अगर एक दो दिन करना हो तो आप कर लेंगे, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक करना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। क्या, अगर मैं डेली 1 घंटा किसी काम को करता हूं, मतलब ओनली 1 आवर्स, ठीक है, यानी 1 घंटे में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 60 मिनट होते हैं। इस 60 मिनट में अगर हम इसको 365 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसी काम को हम 365 दिन करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास 21,900 मिनट होंगे जिसमें हमने काम किया होगा। और सोचिए अगर 5 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हो या कोई भी लाइफ का एक तरीका सीखते हो, तो टोटल आपके पास 4,380 चीजें आप नई सीख चुके होते हो। तो सोचने वाली बात है कि एक साल में अगर आप 4,380 नई चीजें सीख सकते हो, तो आपको नहीं लगता कि आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले ये दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं जो भी करूंगा उसे डेली करूंगा, विदाउट फेलियर करूंगा, चाहे मैं उसे आधे घंटे करूं, डजंट मैटर। 8 घंटे एक दिन पढ़ के 8 दिन तक ना पढ़ना कोई फायदा नहीं है, 1 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। अगर आपको एक थॉट याद हो जो कि ब्रूसली ने कहा था कि वो 1,000 तरीकों से नहीं डरता है, उस एक तरीके से डरता है जो 1,000 बार किया गया हो, मतलब वो 1,000 बार किया गया तरीका कितना सॉलिड हो सकता है, आप सोच सकते हो। तो सेम चीज यहां पे होती है। अब देखिए, जब हम कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि कई बार ऐसे बहुत सारे हडल्स आते हैं लाइफ में जो कि हमको डीमोटिवेट कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि मोटिवेटेड कहां से रहें। तो तीसरा पॉइंट क्या है, मोटिवेशन कहां से लेना है। अब देखिए, मोटिवेशन लेने के लिए आप सोचते होंगे कि मैं ये वीडियो देखूं, मैं वो वीडियो देखूं। देखिए, मोटिवेशन आप बाहरी चीजों से कभी भी नहीं ले सकते।
अनलेस कि आपके अंदर मोटिवेशन ना हो। अगर इस सूरज को ध्यान से देखिए तो ये सूरज किसी से गर्मी नहीं मांगने जाता है, ये नहीं बोलता है कि मुझे कल निकलना है, प्लीज गिव मी सम हीट, गिव मी सम एनर्जी, ठीक है। इस सूरज के पास अपनी एक गर्मी है। और अगर आप गर्म पानी को देखो तो उसको जब तक आप गर्म करोगे वो तभी तक गर्म रहेगा। तो ठीक हमारी लाइफ में मोटिवेशन जो एक्सटर्नली मिलता है वो भी ऐसे ही काम करता है गर्म पानी की तरह। मतलब जब तक हमें बाहर से मिलेगा तब तक तो हम मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन अगर मिलना बंद हुआ तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर बनना है, मोटिवेशन लेना है तो सूरज से लीजिए, क्योंकि सूरज के पास किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, जब आप किसी भी काम को करते रहते हैं तो होता क्या है कि कई सारे टेस्ट होते हैं, कई पार्ट्स में वो काम होते हैं, तो आप फेल भी होंगे ऑब्वियसली। अब आप फेल होते हो तो आप सोचते हो कि छोड़ो अब छोड़ देते हैं, नहीं। चौथी बात यही है कि फेल होकर भी खड़े क्यों होना है। चलिए मैं एक बहुत अच्छा एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल इनको आप जानते होंगे, ये है थॉमस एल्वा एडिशन। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 10,000 बार सोचने वाली बात है, इस बात पे आपको बार बार सोचना है कि 10,000 बार एक ही काम को बार 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 फेल होने के बावजूद भी ये करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि इनका विजन क्लियर था, कंसिस्टेंट थे, फेल होने के बाद भी कभी इन्होंने गिव अप नहीं किया। वही चीज हमें करनी है। हम अपने करियर में चाहे कुछ भी करना चाहते हो, छोटे से लेकर बड़ा एम्बिशन तक, आपको अगर फेल होकर उठना आ गया तो यह समझ लीजिएगा आपको आपके एम से कोई नहीं रोक सकता। तो थॉमस एल्वा एडिशन से यह जान लीजिए कि 10,000 बार कोई व्यक्ति अगर एक ही काम में फेल होकर उसके बावजूद भी खड़ा होकर वो काम कर सकता है तो आप और मैं भी ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हारना नहीं है। और मैंने जितनी भी बातें बताई वो आपके लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन सपनों को एकदम आकार में बदल दो, आग लगा दो अपने अंदर और आओ मिलकर तैयारी करें राइट ब्रदर्स के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।